बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है अल्लाह के पाक बरकत नाम से, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान में तो बहुत ठंड पड़ रही है आजकल, इवन के कराची में भी बहुत ठंडी है, जिस तरह के मैं अपने न्यूज़ में देखते रहता हूँ और अपने जो साथी व्लॉगर्स हैं उनकी वीडियोस में। तो बहरहाल, ठंडी का जहाँ पर ज़िक्र आया है तो आज मैं आपको एक ठंडी जगह लेके चलता हूँ। ठंडी जगह से मुराद ये है कि आजकल तो सर्दियाँ हैं जैसे आपको पता है विंटर, पर कतर में इस वक्त इतना ठंडा नहीं हुआ है, 20 सेंटीग्रेड तक चल रहा है अभी, रात में ये तकरीबन 16-15 पे आ जाता है। तो यहाँ पर एक एयर कंडीशन पार्क बनाया गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी सैर कराई जाए आप लोगों को। तो मैं आज आपको एयर कंडीशन पार्क कतर लेके चलता हूँ और वहाँ पर जाके देखते हैं। मैं भी क्योंकि पहली दफ़ा जा रहा हूँ तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ हमको मिलेगी और क्या चीज़ हम एक्सप्लोर कर सकेंगे, तो ये तो वहीं जाकर हम देख सकेंगे। तो अब चलते हैं, और आपको पता है कि आप इस वक्त शाहीन व्लॉग्स देख रहे हैं और मेरा नाम अफसर शाहीन है, ऑल द वे फ्रॉम दोहा कतर। तो चलते हैं एयर कंडीशन पार्क। अल्लाह, यहाँ पर बच्चे अपनी साइकिलें लेके आए हैं और बड़ा अच्छा यहाँ पर टाइम पास हो सकता है। ये गर्राफा पार्क कहलाता है। तो कतर में रहने वाले लोग यहाँ पर ज़रूर आएं और अच्छा वक्त गुजारें। देखें, यहाँ पर साइकिल ट्रैक भी है, जैसा कि आप ये सामने देख सकते हैं। और जो इसके बराबर वाला जो हिस्सा है, ये आपको ये पैदल चलने वालों के लिए, और मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पर। देखें, ये इस तरफ आप जॉगिंग ट्रैक है और यहाँ पर आप यू कैन वॉक, वॉकवे बना हुआ है। और जो मैंने आपको बताया एयर कंडीशन का, ये आप देखें एयर कंडीशन की जालियाँ आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ से ये एयर कंडीशन लगा हुआ है और ये अभी इस वक्त वर्किंग कंडीशन में है। और इसके साथ ही यहाँ पर भी एसी के वेंट्स लगे हुए हैं, जहाँ से आप ठंडी ठंडी हवा ले सकते हैं। तो ये आप देखें कितना खूबसूरत मंजर है, और ये पूरा ऑल अराउंड बना हुआ है, ये जॉगिंग और वॉकवे, जॉगिंग ट्रैक जैसे, ये देखें आप, मैंने दिखाया। और ये वॉकवे और जॉगिंग ट्रैक, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये मंज़र। मैं इस वक्त जॉगिंग ट्रैक से साथ साथ चल रहा हूँ, जॉगिंग ट्रैक के वॉकवे पे, और आप बैकग्राउंड में देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और ये सारा एयर कंडीशन है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया वेंट्स, इसके सी के वेंट्स, तो इसमें ख़ास तौर पे ये जो यहाँ पर आपको पता है गर्मियाँ ठीक ठाक पड़ती हैं तो ह्यूमिडिटी वगैरह हो जाती है, तो उस सिलसिले में इन्होंने ये एसी लगाए हैं। आप मेरे साथ ही रहें।
यहाँ पर वॉशरूम्स, ये आप देख सकते हैं लेडीज़ के लिए वॉशरूम्स है, और उसके अपोजिट साइड आप यहाँ पर देख सकते हैं जेंट्स के लिए। तो माशाल्लाह बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया है, आप देख सकते हैं स्विंग्स वगैरह हैं। दोनों तरफ बनाए हुए हैं, एक तरफ ये आप जो देख रहे हैं इस तरफ है। देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पार्क बनाया है, और इसकी जो जॉगिंग ट्रैक की जो लेंथ है वो 650 मीटर्स है। तो बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों आपने देखा, आज मैं आपको यहाँ पर अलगराफा में गराफा पार्क लेके आया हूँ, जो एयर कंडीशन पार्क है, और मेरा ख़्याल है कि दुनिया का शायद ये पहला पार्क है जो जिसमें एयर कंडीशन लगाया गया है। क्योंकि जैसा आपको पता है कि यहाँ पर गर्मियाँ काफ़ी होती हैं, कि उस वजह से ये एहतमाम किया गया है, और ये इसका आइडिया काफ़ी देर से इन्होंने सोचा हुआ था। क्योंकि यहाँ पर अगले साल वर्ल्ड कप हो रहा है, तो पहले ये था कि शायद एयर कंडीशन स्टेडियम भी बनेंगे, तो ये आइडिया वहीं से लिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर आएँ और ये इसको डिस्कवर करें, बहुत ही अच्छी जगह है, पूरी फैमिली के साथ आएँ और इन्जॉय करें। तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मेरे इस चैनल का भी ख्याल रखें, और इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और नए आने वाले लोग काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो फिर मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।